रोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कीर्ति का क्या कसूर? जी हां, कीर्ति पर कार्रवाई करने में बीजेपी ने क्या जल्दबाजी की है? कौन से है वो पांच सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल भी अब कूद चुका है मैदान में। क्या जल्दबाजी हो गई कार्रवाई में? सवाल नंबर दो, कीर्ति पर जो कार्रवाई हुई है उससे मोदी सरकार की छवि को धक्का लगेगा क्या? जेटली कीर्ति की जंग में क्या मोदी को दखल देना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल से लेकर कीर्ति आजाद बार बार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नजर डालिए। मार्गदर्शक मंडल की मोर्चाबंदी बढ़ाएगी अब मोदी की परेशानी, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल के ऐसे तमाम नेता जिनको किनारे कर दिया गया था वो कीर्ति आजाद के मसले के साथ कूद गए हैं मैदान में। क्या केजरीवाल का सियासी मोहरा बन गए हैं कीर्ति आजाद? इन्हीं पांच सवालों का आज हम करेंगे रुख, इसी पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे शामिल पूरी चर्चा में, लेकिन डीटीसी घोटाले पर आवाज उठाने वाले सांसद कीर्ति आजाद को बीजेपी ने निलंबन का खत थमा दिया, लेकिन इससे पार्टी में खलबली मची है। पार्टी में हाशिए पर धकेले गए बुजुर्ग नेता कीर्ति के बहाने नेतृत्व को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी कीर्ति के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कीर्ति को सस्पेंड कर देने से कहीं ना कहीं मोदी सरकार की छवि को भी धक्का लगा है? डीडीसीए में घोटाले का मुद्दा उछालकर कीर्ति आजाद ने जिस घमासान की नींव रखी उसकी ये ताजा कड़ी है। कीर्ति जवाबी मूड में है, सड़क पर समर्थकों को उतारा है, तो बीजेपी नेतृत्व पर नए नए बयानों के तीर भी जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में हम लोग सदैव बात करते हैं। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। कीर्ति आजाद अब खुलकर बैटिंग करते दिख रहे हैं, उनके हमलों से बीजेपी में खलबली दिख रही है। उन तमाम बुजुर्ग नेताओं को भी कीर्ति ने एक नया मौका दे दिया है जो मौजूदा नेतृत्व में हाशिए पर है। लालकृष्ण आडवाणी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा की डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के घर बैठक हुई। बीजेपी की बुजुर्ग मंडली खुलकर कीर्ति का समर्थन करने से बच रही है, लेकिन बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी कीर्ति के साथ खड़े हो गए हैं। स्वामी कीर्ति आजाद को नोटिस का जवाब देने में मदद करेंगे। एक बयान में स्वामी ने कहा है, मैं कीर्ति का पार्टी की नोटिस का जवाब देने में मदद करूंगा। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, उनके पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, वे अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं। मुझे उनकी मदद करनी है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी उन जैसे ईमानदार व्यक्ति को खोना चाहेगी। लेकिन असल में बांछे तो कांग्रेस की खिली है। बीजेपी के घर के झगड़े ने कांग्रेस को करप्शन पर घेराबंदी करने का नया मौका दे दिया है। जो व्यक्ति पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। सियासत साफ है, जंग भले ही जेटली और कीर्ति आजाद के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इसके छींटे बीजेपी पर भी पड़ रहे हैं। सवाल ना खाने और ना खाने देने के मोदी के ऐलान पर भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर मनचंदा जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं डीडीसीए के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आशीष खेतान आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। शाहनवाज हुसैन साहब, मार्गदर्शक मंडल जिन्हें आपने किनारा कर दिया था वो भी सामने आ गए हैं, और सबको लग रहा है कि कीर्ति आजाद से तो आपने कारण बताओ नोटिस जवाब भी नहीं लिया और निकाल दिया। अरुण जेटली की ताकत के बीच जो बड़ा सवाल अब आपसे पूछा जाएगा वो ये कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने जांच का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की सजा दी है बीजेपी ने? नहीं, देखिए सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो बताया जा रहा है, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। डीडीसीए में जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, अरुण जेटली जी ने हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया है और वो खुद
अदालत में गए हैं, मानहानि किया और कहा है कि झूठे मनगढ़ंत आरोप जो उन पर लगाए गए हैं उसका जवाब उनको अदालत में उन लोगों को देना होगा जिन लोगों ने लगाए। कीर्ति आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सदस्य सांसद और उन्होंने जो बातचीत की उसका पहले जो DDCA को लेकर वो पहले भी बात करते रहे हाँ। लेकिन जब पार्लियामेंट में उनके बयान उनके तरफ से बयान आया और उसी बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मौका मिला और वो बार बार कीर्ति आज़ाद साहब का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे तो खुद हमारे संगठन मंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं नहीं आडवाणी जी कहेंगे तो उसका कुछ असर होगा। शाहनवाज जी शाहनवाज जी आडवाणी जी अगर कहेंगे मुरली मनोहर जोशी से वो मिलने इस वक्त जा रहे हैं माना जा रहा है ये सभी नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं जब ये मार्गदर्शक मंडल बीजेपी को बोलेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं आपको जांच करानी चाहिए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है उसकी जांच आप करा नहीं रहे हैं दूसरे को हटा रहे हैं तब बीजेपी क्या करेगी क्या जवाब देगी। देखिए जहां तक जो मार्गदर्शक मंडल जो हमारा है हाँ। वो हमारे बहुत सम्मानित नेता है हाँ। उनके आशीर्वाद को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे काम करती है और आज भी हमारे जो नेता हैं आडवाणी जी अटल जी जोशी जी ये बहुत सम्मानित हैं इनका बहुत कंट्रीब्यूशन पार्टी को बढ़ाने में और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है उनकी हर बात को गंभीरता से सुना जाता है हाँ। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं जिस पर हम चर्चा आपसे करें। शाहनवाज जी आप किसको किसको भुलावे में रख रहे हैं शाहनवाज जी किसको भुलावे में रख रहे हैं उनसे मिल क्यों रहे हैं क्या समझ में नहीं आ रहा किसी को तरफ से कोई बयान है शाहनवाज जी कीर्ति आजाद जी से वो क्यों मिल रहे हैं कीर्ति आजाद नहीं नहीं देखिए कीर्ति आजाद बीजेपी से निलंबित हुए हैं और निलंबित होने के बाद भी अगर वो पार्टी के नेता से मिलेंगे अपना पक्ष रखेंगे तो उसमें इसमें कौन बड़ी बात चलिए ठीक है संजय पार्टी के नेताओं से मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इसमें कुछ अब कल कह दीजिए कि आडवाणी जी जोशी जी आपस में मिले ही नहीं एक बार अगर मिलते हैं हमारे बड़े नेता हैं आपस में मिलना चर्चा करना तो हम तो अलग अलग दल के लोगों से मिलते हैं चर्चा करते हैं जी शाहनवाज जी पार्टी के नेता अगर मिलते हैं तो उसमें किसी को क्या दिशा ये मिलना नहीं है ये कुछ और है आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं लेकिन ढक्कन लगाकर रखना ही शायद बीजेपी को बेहतर समझ में आएगा। लेकिन संजय झा जी दूसरे के घर का झगड़ा है आपको ताली बजाने का मौका मिल गया है। नहीं देखिए अंजना जी शाहनवाज जी मैं समझता हूँ उनकी आज जो भी उनकी दुविधा है मैं समझता हूँ वो खुद बहुत ही अच्छे आदमी हैं लेकिन उनके पार्टी में जितना अहंकार या अभिमान या घमंड है वो आज तक मैंने किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखा है और इसका उदाहरण यही है कि आज आप कांग्रेस पार्टी को अलग कर लीजिए दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जो भी उन पर आरोप लगाए उनको भी अलग कर लीजिए इनको यहाँ पर उन्हीं के नेता लोग इनको प्रश्न पूछ रहे हैं और वो उनको भी नहीं सुनते हैं तो बाकी को तो भूल जाइए आप। कीर्ति आज़ाद को मैं बहुत बहुत उनके साथ मैंने ढेर सारे डिबेट सालों से किए हुए हैं अंजना जी जब आपको जानती होगी मैं क्रिकेट को मैं बहुत बहुत सालों से मैंने देखा है गरीबी से देखा है उनके बड़े बड़े जो BCCI के ऑफिसर्स हैं उनको मैं जानता हूँ वो कैसे उनका कार्य होता है और वहाँ भी कीर्ति आज़ाद जी और हम अलग अलग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं लेकिन हमने जहाँ तक भ्रष्टाचार या घोटाला का देखा था उसमें हमेशा कीर्ति आज़ाद ने कोई भी राजनीतिक पक्ष कभी नहीं लिया था उन्होंने इसीलिए आज उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस सच्चाई को नजरअंदाज क्यों कर रही है ये यही जाने और यहाँ पर विश्व की विधि को लीजिए आप वो हाँ। अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रहे हैं भारत हाँ। के लिए उन्होंने क्या योगदान किया हुआ है और इनके नेता राम जेठमलानी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अब यदि ये लोग अरविंद केजरीवाल के लिए काम करें या कीर्ति आजाद के लिए काम करें ये सवाल मैं आशीष जी से पूछना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल मैं आशीष जी से पूछना चाहती हूँ। आशीष जी बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में सियासी मोहरा बन गए हैं कीर्ति आजाद आज आप लोगों को कीर्ति आजाद बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी ने उनको निकाल दिया और आपको लग रहा है कि यहीं से आपकी राजनीति आगे बढ़ेगी। देखिए अगर हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष पे बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मुद्दे को पीछे छोड़ देंगे। कीर्ति आज़ाद अगर आज 2015 में किसी बात को लेकर अरुण जेटली जी या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर ये मुद्दा अचानक उठाते तो हम ये कह सकते थे कि कीर्ति आज़ाद कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं।
कीर्ति आजाद तो पिछले 10 सालों से डीडीसीए के घोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं और हर मंच पे उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर उठाते रहे हैं। कम से कम उन्होंने 100 चिट्ठियां लिखी हैं 2005 से लेके 2012 के बीच, अरुण जेटली जी को चिट्ठियां लिखी हैं, और एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो गई है, जो आपके टीवी चैनल ने भी दिखाई है, वो 2012 की है। तो कीर्ति आजाद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 10 सालों से अपने स्टैंड पर कंसिस्टेंट रहे हैं, और वो अकेले नहीं है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। उनके साथ बिशन सिंह बेदी और तमाम और जाने माने क्रिकेटर्स भी हैं जो डीडीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते रहे हैं। अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखकर बोलते रहे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कृपया रोकिए, लेकिन जेटली जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आशीष जी, ये सब तो जानी हुई बात है, ये तो बीते दिन से हम लोग बता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, दरअसल कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें कोई अपने नेता के खिलाफ बोलकर टिक जाए? आपकी पार्टी में तो जितने उदाहरण हैं, जब जब जिसने मुंह खोला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके लिए दरवाजा खोल दिया गया। यही सवाल मैंने बीते दिन भी आपके प्रवक्ता से पूछा था। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की, जो आंतरिक डेमोक्रेसी की बात है, उसमें तो आप भी पूरी तरह से फेल है। आशीष जी, देखिए अंजना जी, अगर ये इंटरनल डेमोक्रेसी का मामला होता और पार्टी की आंतरिक राजनीति का मामला होता तो वो मामले तो होते रहे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसमें जो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शांता कुमार जी, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में एक वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि अमित शाह और मोदी जी का एक तरीके से वाइस ग्रिप है पूरी पार्टी पर, वो पार्टी को बड़ा क्षति पहुंचा रहा है। ये बिहार चुनाव के बाद हुआ था, वो आंतरिक राजनीति है, वहां पर खेमेबाजी है, वहां पर जिनको इन्होंने कहा है कि हम, वो हमारे मार्गदर्शक मंडल है, दरअसल उनको पॉलिटिक्स से आपने किनारे कर दिया है। हाँ। जो आडवाणी जी, जो बीजेपी पेट्रियार्क है, वो आंतरिक मामला है। बात यहाँ भ्रष्टाचार की है कि वित्त मंत्री जो डीडीसीए के प्रेसिडेंट रहे 15 साल, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है। ये सिर्फ मामला प्योरली भ्रष्टाचार का है, इसमें पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेट करके मुझे लग रहा है कि बीजेपी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये सवाल मैं चलूंगी शाहनवाज जी के पास लेके, लेकिन उससे पहले रविंदर जी, जल्दी से मैं आपसे, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं डीडीसीए के, ये भ्रष्टाचार का मामला है, उस व्यक्ति के खिलाफ मामला है जो उस वक्त अध्यक्ष था, क्योंकि उनका कहना है उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं होगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जब तक अरुण जेटली प्रेजिडेंट थे डीडीसी के। अच्छा, आपने कुछ अलग से जांच कराया क्या? 5-6-7 साल से लगा रहे हैं। आपने कोई जांच अलग से की है क्या? नहीं, हमने जांच कराया, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच हम लोगों ने कराई थी। हाँ। जिस समय अरुण जेटली क्या कहा था डीडीसीए की इंटरिम रिपोर्ट ने क्या कहा था? रविंदर जी, मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमजोर पड़ रही है। डीडीसीए की इंटरिम रिपोर्ट ने क्या वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र नहीं किया था? क्या ट्रांसपेरेंसी की कमी का जिक्र नहीं किया था? उस समय किया था। वो उस समय के प्रेसिडेंट जो थे उनके खिलाफ 1,55,00,000 का वो उसमें मामला उठा था, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की थी। और उस समय अरुण जेटली यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं थे, और ये सब लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरुण जेटली के टाइम पर ये सब चीजें हुई हैं। और मैं ये आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मानहानि का दावा डीडीसी के लोग भी कर रहे हैं क्रिकेटर्स के खिलाफ, क्योंकि ये दे आर ब्रिंगिंग डिसरिस्पूट टू द एसोसिएशन। आशीष खेतान जी, जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आप लोग डिसरिप्यूट कर रहे हैं, आप लोग बेवजह से लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए, 4 आंतरिक रिपोर्ट है और इन्हीं के द्वारा कराई गई जांच है, जिसमें 1-2 जजेस की कमेटी बैठी हुई थी, जिन्होंने पाया कि पूरी तरीके से इलेक्शन जो होते हैं डीडीसीए के वो रिग्ड होते हैं। कई एफआईआर हैं जो दिल्ली के थानों में रजिस्टर हैं, जहां पर खिलाड़ियों की एज को पर उसमें धांधली की गई और खिलाड़ियों के चयन में धांधली हुई। एफआईआर हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, एक सीबीआई के यहाँ इंक्वायरी रजिस्टर है, सीबीआई धीरे धीरे गति से कुछ अपनी जांच कर रही है। तो ये कहना कि हम बरगला रहे हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर ये मामला अचानक 2015 में उठता तो आप कह सकते थे कि इस पर राजनीति हो रही है। इतना कुछ, इतना सारा मटीरियल आज पब्लिक डोमेन में है, और ये खुद मानते हैं, चेतन चौहान जी ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि धांधली हुई है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कुछ नीचे के लोग हैं। ये तो धांधली से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने ऑडिटर्स की रिपोर्ट बनवाई है, जहां पर इन्होंने पाया है कि लोन्स इन एडवांसेस दे दिए गए ऐसे लोगों को, जो बिल्कुल गलत था, गलत तरीके से पैसे बांट दिए गए। ये इंक्वायरी हम लोगों ने बिठाई थी, 2014 में रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, अरुण जेटली 2013 में अपना पद को छोड़ के चले गए थे। मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस चीज को सारा आप
अरुण जेटली से मिलाना चाहते हैं, जबकि हमारे आर्टिकल्स में ये भी प्रावधान है। हम जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका वक्त है हल्ला बोल, आपका भी मंच है, हमने आपकी राय मांगी थी। हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों ने अपनी राय दी है। केजरीवाल का सियासी मोहरा बन गए हैं क्या कीर्ति आजाद? 59% हाँ कहते हैं, 41% नहीं। कीर्ति का क्या कसूर? सवाल ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब मार्गदर्शक मंडल भी बीजेपी का कीर्ति आजाद के साथ हो लिया है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं जैसे ही दिल्ली लैंड करेंगे लगभग 7:30 बजे। कीर्ति आजाद सीधे जा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के घर, माना जा रहा है वहां पर आडवाणी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता होंगे। अब सवाल यही कि बीजेपी में जो दो पहाड़ हैं क्या खुलकर सामने आ रहे हैं? लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा शख्स जो राजनीति से अलग होकर भी राजनीति से अलग कभी नहीं रह पाता है, बाबा रामदेव योग गुरु हैं वैसे तो, लेकिन इस भ्रष्टाचार के मामले पर भी उनकी अपनी राय है। क्या कह रहे हैं, कैसे अरुण जेटली को क्लीन चिट दे रहे हैं, सुन लीजिए। जहां तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, अरुण जी के ऊपर उनके विरोधी भी कोई भी आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई आरोप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि उनको कोई आर्थिक दृष्टि से गुनाहगार साबित कर सके। अरुण जेटली जी राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से बहुत प्रामाणिक निष्कलंक व्यक्तित्व हैं। उनके बारे में कुछ भी झूठे बेबुनियाद आरोप लगाना ये ठीक नहीं। ये बीजेपी का आंतरिक मामला है और मुझे लगता है इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इतनी बात जरूर है कि सब लोग मिलजुल के रहें और देश को आगे लेकर के जाएं। ऐसे ही मुझ सहित इस देश के वो तमाम लोग सोचते हैं जो ये चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अपना निर्विघ्न कार्यकाल पूरा करे और जिन उम्मीदों को लेकर के, जिन आशाओं को लेकर के, अपेक्षाओं को लेकर के उनको देश की बागडोर सौंपिए, उन पे वो खड़े उतरे। तो बाबा रामदेव कहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। बहरहाल चलिए इस इनसे हट के वापस आते हैं, मुद्दे पर पहुंचते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले रविंद्र जी एक बार मैं अब जाना चाहती हूँ जरा शाहनवाज हुसैन साहब के पास। शाहनवाज हुसैन जी देखिए, आप भी बिहार के हैं और ये जितने बागी तेवर दिख रहे हैं आरके सिंह से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, सब बिहार के ही नेता हैं। बिहार के नतीजों ने भी खैर बहुत भंवर बना दिया आपकी पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। कसूर क्या है कीर्ति आजाद का, एक लाइन में बता पाएंगे? देखिए वो मैंने पहले ही जवाब दिया है कि पार्लियामेंट में उनके जरिया उठाए गए मुद्दे को आम आदमी पार्टी जो खुद 2 करोड़ के चंदे में बाद में जवाब दिया कि कहां कहां से पैन कार्ड पे हमें चंदा मिला, प्रशांत भूषण ने ये मतलब आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़े दिखे। एक सेकंड सर, तो बस यही मैं समझना चाह रही थी, आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़े दिखे यही उनका कसूर है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा अंजना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कीर्ति आजाद साहब से अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने बुला के बातचीत की थी। कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ना निलंबित हैं अभी, वो किसी से भी मिल सकते हैं, मेरे भी मित्र हैं, मेरे यहाँ भी मिलने आ सकते हैं। अभी उनको मिलने पर किसी को कोई एतराज तो नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलकर अपना पक्ष जाकर निलंबन के बाद भी रख सकते हैं। इसलिए जो आज हमारे जो वरिष्ठ नेता मिले हैं उसमें किसी को नहीं मालूम कि वहाँ क्या चर्चा हुई है। नेता सत्र के बाद जो शांता कुमार जी ने बाद में कहा वहाँ पर कि जो सांसद सत्र के बाद हम लोग आपस में मिलते हैं, तो वैसे ही वो मिले हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो आज तरह तरह की बातें हमें समझाई जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस समझा रही है, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अरुण जेटली जी का मामला तो कांग्रेस के नेता संजय झा साहब ये बताएं कि उन्हीं के यहाँ SFIO जो है उसने तो जांच कर ली थी कीर्ति आजाद साहब की चिट्ठी के बाद ही। उसमें अरुण जेटली बेदाग थे, एक बेदाग नेता जो देश के वित्त मंत्री हैं और हमारे पार्टी के हैं, उनके बारे में ये विषय बातचीत किया, जब निलंबित किया है और उनको कारण बताओ नोटिस दिया है।
नहीं, देखिए अंजना जी, क्योंकि शहनवाज जी ने भी 2 करोड़ का बात किया था, तो मैं शहनवाज जी को याद दिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बिहार के चुनाव में भाजपा के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, तो उनको उनके ही आर के सिंह, वो भी कीर्ति अदात के जैसा, वो भी बिहार के ही लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत शर्म हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी MLA सीट की टिकट के लिए दो दो करोड़ रुपये में उसकी नीलामी हो रही है। अब यहाँ पर ये सब तो सब काला धन भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण नमूना है, जिस पर भाजपा ने पूरी चुप्पी करी है, किसी ने उसके बारे में बात ही नहीं किया। दूसरी बात, मुझे ये बहुत अजीब और विचित्र रवैया लगता है भाजपा का, कि जब तक उनके नेता लोग रंगे हाथ उनको कैमरा के सामने न पकड़ा जाए, जैसे बंगारू लक्ष्मण जी हुए और बाकी कुछ और भी नेता लोग हुए, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि किसी पर कोई आरोप भी लगे। उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उनको गुस्सा आ जाता है, उन पर आक्रोश देखते हैं, वो सच्चाई से इतना दूर भाग रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि वो खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये जांच कराई ना, ऐसे आपके होम मिनिस्ट्री ने जांच की, अरुण जेटली जी ऊपर वो बेदाग निकले, आपकी सरकार थी, अगर आपके पास ये चिट्ठियां पहले गई थी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? अरुण जेटली जी का कोई मामला ही नहीं है। नहीं नहीं शाहनवाज जी, नहीं तो आखिर SFIO की रिपोर्ट मेरे पास है, बहुत बड़े बहुत महत्वपूर्ण, गहराई क्या, सामने जो मोटे अक्षर में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, पूरा छानबीन करना जरूरी है। कहीं से भी कहा गया टेक्निकल वायलेशन है, लेकिन फ्रॉड का कोई इंसिडेंट नहीं दिखता है, साफ तौर पे आपकी रिपोर्ट में कहा गया, मेरे पास उसकी कॉपी है, और आपने जांच भी करा ली, और फिर भी आप शाहनवाज जी, क्यों नहीं इल्जाम लगाया? रिपोर्ट आ चुका है, आप सबको एक साथ पढ़िए ना, आप 4 रिपोर्ट आए हुए हैं, बताने दीजिए, देश के सामने आज तक नेशनल चैनल है, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं झाजी, आपके पास तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आप दिखा दीजिए उसको, मैं तो आप ही की रिपोर्ट आपको रेफर कर रहा हूँ। रविंदर जी, इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहा कि शाहनवाज जी, मैं आपको एक उदाहरण दूँ, कोई फ्रॉड का मामला नहीं है। शाहनवाज जी, हाँ रविंदर जी बोलिए। शाहनवाज जी, कि ये जो जो फ्रॉड की बात, ये फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि कल को इश्यूज क्या है, इश्यूज जो है कल कि कीर्ति आजाद ने भी कल मुद्दे उठाए थे, जिसमें बिल दिखाए थे और बोला था ये फर्जीवाड़ा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने बिल उन्होंने दिखाए थे विकीलीक्स के जो जरिए के दिखाए गए थे, उन सबकी पेमेंट हमारे यहाँ से हुई है, उनका पैन नंबर है हमारे पास, उनका अकाउंट नंबर है। अब मुझे नहीं समझ आती वो कौन से फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं, कहाँ साइबर हुई है, कहाँ रविंदर जी कोई नहीं बता पा रहा। रविंदर जी छोड़िए, कहाँ उलझ रहे हैं आप इसमें, क्योंकि आप बैठ कर टीवी पे एक सेकंड में क्लीन चिट दे देंगे। DDCA की बैलेंस शीट में खामियां हैं, DDCA में रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किए जाते हैं, स्टेडियम में 10 कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनाए गए, ये 10 कंपनियों को बेच दिए। जेटली बताएं कि किस कंपनी ने और कितने में ये बॉक्स बेचे गए हैं, ये तमाम उनके आरोप थे। बहुत सारे गंभीर सवाल कीर्ति आजाद ने पूछे थे, जिस पर जांच होनी है। जो सर, एक लंबी लिस्ट है, 16 कंपनियों को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। सर मेरा सवाल ये सुनिए ना, कि DDCA के मेंबर अभी भी कीर्ति आजाद है ना जी? DDCA के मेंबर कीर्ति आजाद है ना? सुरेंद्र खन्ना जी भी हैं, BS बेदी भी हैं, अगर मैं सही हूँ तो क्या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई आप लोग करेंगे DDCA? नहीं, निश्चय रूप से हम सोच रहे हैं कि हमारे आर्टिकल्स में भी प्रावधान है कि कोई मेंबर अगर इफ ही ब्रिंग्स डिस्प्यूट टू द एसोसिएशन, वी कैन टेक एक्शन। और हम लोगों की मीटिंग आज रात को या सुबह होने वाली है, हम देख सकते हैं और उसको एग्जामिन करा रहे हैं कि क्या एक्शन हम ले सकते हैं। और जो इन्होंने चार्ज लगाए हैं वो निराधार हैं, बिना किसी सबूत के हैं। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी है वो हम लोगों ने जाँच की है, जो यहाँ पे आम आदमी के अभी कोई बोल रहे थे 2 जज कमेटी है, वो ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं है। ये सब मीडिया में आ रहा है और मीडिया में DDCA को बदनाम किया जा रहा है। आशीष केतन जी, और आज मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप, मैं आपको आप, ये बता आप, रहा हूँ, आप भी निलंबित मेंबर सदस्यता लेने वापस लेने की बात सोच रहे हैं क्या? यही है क्या आपका नियम कि सदस्यता वापस ले लेंगे इनडिसिप्लिन के नाम? नहीं, वापस पहले कमेटी बनाई जाएगी, उसमें क्या प्रावधान है, अगर सस्पेंशन का प्रावधान होगा तो उनको निलंबित किया जा सकता है, उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया जा सकता है, वो हम सब स्टडी कर रहे हैं। मीटिंग में, हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये मामला आएगा और जल्दी एक आधे दिन में हम लोग इसका फैसला कर लेंगे। चलिए ठीक है, आशीष खेतान जी, उनका सीधे कहना है लगा दिए कि DDCA को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी DDCA को बदनाम कर रही है। देखिए ऐसा है कि
ये जो बार बार एसएफआईओ की रिपोर्ट ये जो बार बार बताते हैं कि क्लीन चिट मिल गई, अगर इतनी ही क्लीन चिट मिल गई है तो फिर सीबीआई ने अभी 4 महीने पहले एक केस क्यों रजिस्टर किया? अगर सर मामला पूरा खत्म ही हो गया है तो सीबीआई ने केस क्यों रजिस्टर किया, नंबर एक। नंबर दो, फिर हाईकोर्ट ने इनके जो कंपाउंडिंग का मामला था उस पर रोक क्यों लगा दी और कहा कि कंपाउंडिंग जो हुई है वो सारी गलत तरीके से हुई है, उसी एसएफआईओ रिपोर्ट के आधार पर कंपाउंडिंग हुई थी। तो जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं मामला बहुत गंभीर है और इसकी तह में जाना चाहिए और सीबीआई केस रजिस्टर कर रही है, तो ये एसएफआईओ क्लीन चिट ये जो है बांसुरी बजाना बंद करें। और दूसरी बात, अगर इतने ही पाक साफ है तो किसी ये जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच में सहयोग करें, पूरी जांच हो जाने दें, एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जनता के सामने कहें कि मैं जनता के प्रश्नों का जवाब जनता की कोर्ट में जनता की अदालत में दूंगा। ब्लॉग क्यों लिखते हैं, डिफेमेशन सूट क्यों कर रहे हैं? जब इन्होंने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए थे तब इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह, तब ये कहते थे कि मनमोहन सिंह की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर मनमोहन सिंह की नैतिक जिम्मेदारी और सही थी तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जब छापा पड़ गया नैतिक जिम्मेदारी है, सीबीआई को काम करने दीजिए, क्यों विधानसभा को यूज कर रहे हैं? मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला था शाहनवाज जी, ये हैकलिंग करना बंद करिए, हैकलिंग मत करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपने 15 साल डीडीसीए चलाया है और क्रिकेट के खेल को बदनाम किया है, बर्बाद किया है। जवाब मुझे खिलाड़ियों के चयन में घपलेबाजी, गौतम गंभीर यहां से बाहर चले गए, वीरेंद्र सहवाग यहां से बाहर चले गए, खिलाड़ियों के चयन में घपलेबाजी होती थी, स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में घपलेबाजी हुई है, हर चीज में धांधली हुई है। और आप ये जो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जज की कमेटी नहीं है, इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं, दिल्ली से खेल रहे हैं, इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जजेस की कमेटी नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि कितनी बड़ी एक जज की कमेटी बैठी, तो जजेस ने कहा कि प्रॉक्सी के वोट है, आप जो है ले वो प्रॉक्सी वोट के जरिए आप गड़बड़ चुनाव कराते हैं। और अरुण जेटली को वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्वीट करके। नहीं नहीं, करेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए। गौतम गंभीर ने अभी आर्टिकल लिखा था, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर ने लिखा था आर्टिकल, नहीं करेक्ट कीजिए, गलत देख रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं। गौतम गंभीर ने क्या कहा था? आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, के जो आंतरिक मामले हैं उससे बहुत निराश हूं, बोला नहीं बोला गौतम गंभीर ने? नहीं, निराश कोषाध्यक्ष जी, निराश हो सकते हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप कर लीजिए, आपकी सरकार है, आपके वित्त मंत्री हैं, आपकी पुलिस है, आपकी सीबीआई है, जो बन पड़ता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बन पड़ता है कर लीजिए, अपनी बात डीडीसीए में घोटाला हुआ। हल्ला बोल आपका भी मंच है, जो सवाल हमने आपसे पूछा था बारी अब आपकी है। सवाल हमने पूछा था कि क्या सियासी मोहरा बन गए हैं कीर्ति आजाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हाथों में? इस पर 62% कहते हैं हाँ, जबकि बाकी कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater, jackets, and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, you know, because they have their own design.